दोस्तों यूएस में इन्फ्लेशन के नंबर्स अभी अनाउंस हो चुके हैं, अप्रैल मंथ के इन्फ्लेशन के नंबर्स, और काफ़ी टाइम से स्टॉक मार्केट में इन नंबर्स को लेकर थोड़ा सा अभी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही थी। तो एस्टिमेट ये लगाया जा रहा था कि 5% तक यूएस में इन्फ्लेशन के नंबर्स आ सकते हैं जो लास्ट मंथ के नंबर्स थे, लेकिन एक्सपेक्टेशन से भी कम यहाँ पर यूएस में इन्फ्लेशन हो गई है। अब 4.9% के आसपास रह गई है यूएस में इन्फ्लेशन, और पिछले लगातार 8-9 महीने से हर महीने इन्फ्लेशन के नंबर्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। जून 2022 में हाईएस्ट रही थी ये, 9.1% तक पहुंच गई थी, और अब गिर के 4.9% तक रह गई है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है जो क्रूड ऑयल के और इन सब चीज़ों के जो प्राइजेस कम हुए हैं, उसका मेजर इम्पैक्ट यहाँ पर इन्फ्लेशन के नंबर्स पे आ रहा है। और हमने जब जून 2022 में 9% की जब इन्फ्लेशन चली गई थी, उस वक्त ज़बरदस्त गिरावट जो स्टॉक मार्केट्स थी उसमें देखने को मिली थी। मार्केट 15,000 तक निफ्टी इंडिया में चली गई थी। अब यहाँ पर इन्फ्लेशन के नंबर्स अच्छे होने से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ हो सकती है कि जो इंटरेस्ट रेट हाइक यूएस में हो रहे हैं अभी तक, अब वो शायद रुक जाएं, और ये मार्केट के लिए सबसे पॉजिटिव बात होने वाली है। यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक किया जा रहा है ताकि इन्फ्लेशन को कम किया जा सके, और इन्फ्लेशन 4.9% तक आ चुकी है, 2% का टारगेट है, लेकिन ये पॉजिटिव बात है कि लगातार कम इन्फ्लेशन हो रही है। तो इस उम्मीद में कि अब इंटरेस्ट रेट और नहीं बढ़ेंगे, स्टॉक मार्केट में एक अच्छा उछाल अभी आने वाले 2-4 दिन में देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल आगे आने वाले 3-6 महीने में एक वॉलेटिलिटी देखने को मिलने वाली है। लेकिन ये चीज़ अभी साफ होती जा रही है कि स्टॉक मार्केट के लिए अभी आने वाले टाइम में अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, और हो सकता है इंडिया की मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास भी पहुंचे, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छी पॉजिटिविटी स्टॉक मार्केट में है, उसके ऊपर से ये अच्छी न्यूज़ यहाँ पर आ गई है, तो दो चीज़ें यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव हो गई है। अब ऑल टाइम हाई लगेगा नहीं लगेगा ये कोई नहीं बता सकता है, कोई एस्टिमेट नहीं लगा सकता है, तो लेट्स सी आने वाले 2-4 दिन में स्टॉक मार्केट इस न्यूज़ को कैसे अकाउंट फॉर करती है, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ ये यहाँ पर रहने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस अपडेट से हेल्प मिलेगी, और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।